टू प्रॉन्ग अप्रोच है. वन तो ये कि आप उसके ऊपर लाइटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लाइक हाइड्रोक्विनोन है या रेटिनॉइड्स हैं, प्लस उनको स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग झाइयाँ प्रोन होते हैं, मिलाज़मा प्रोन पेशेंट्स हैं, उनको आप कोई भी ट्रीटमेंट देंगे, इट विल नेवर वर्क अनलेस एंड अंटिल दे यूज़ अ गुड सन प्रोटेक्शन. यानी कि सन ब्लॉक उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलरली लगाएं फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी कि सुबह फजर से लेकर रात मगरिब तक, जब भी उनको कोई ट्रीटमेंट काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. तो इनको चाहिए कि किसी अपने अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट इनके एरिया में जो भी हैं उनसे जरूर कंसल्ट कर लें. अच्छा डॉक्टर साहब, कोई बेस्ट होम रेमेडी जो स्किन को आपके फ्रेश रखे, होम रेमेडी? अच्छा. आपको पता है ये तो लोग सबसे ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स पे जाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है. मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये कि महंगा हो गया है. हाँ, ये मैं कह सकता. देखिए, होम रेमेडीज जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो मिथ हैं, और बहुत सारी जो हैं एक्चुअल उसमें वाकई उसका फायदा है. मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ कि एक चीज कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट. जी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो यू कैन डिवाइड इट इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स. एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज है. वाइटामिन की सूरत में भी आते हैं वो, वाइटामिन ए, सी, ई और बी, ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो, यानी कि उसके बाद आप उसको देख लीजिए बोटैनिकल्स, यानी कि ग्रीन टी है, कॉफ़ी बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं, आप टोफू है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ों के इस्तेमाल से. तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन टी. बहुत सारे लोग जो हैं ग्रीन टीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग शायद इस बात से अवेयर नहीं है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आप लोगों को अवेयरनेस देता हूँ. देखिए, ग्रीन टी जो है वो बेसिकली आपके चेहरे को, आपकी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करती है और इम्प्रूव करती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करें. अब लोग ग्रीन टी बनाते हैं, वो ग्रीन टी कप में रखी हुई होती है, वो ग्रीन टी जो है वो ब्राउन होके ब्लैक हो जाती है, उसका इफेक्ट जीरो हो चुका होता है. अगर ग्रीन टी आपने बनाई है, टी बैग डाला है, फौरन जब वो ग्रीन है, अ मोमेंट उसके अंदर ब्राउन टेंट जाने लग गया, यू माइट एज वेल थ्रो इट, फेंक दें आप उसको, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है. सही है. अच्छा, फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल दिन में करना चाहिए. बहुत सारे लोग रात में कर रहे होते हैं. रात में आप करेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कोई फायदा अच्छा नहीं. लोगों की मिथ बन गई है और कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर खाने के फौरन बाद रात को आप ग्रीन टी पियेंगे तो आप वेट रिड्यूस कर लेंगे. वेल, आई डोंट थिंक दैट इज अ फैक्ट. उसमें लोगों, ये मैंने कहा ना, मिथ है ये. अगर ग्रीन टी वैसे आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, तो आप रात में पीना चाहें आप पिए, लेकिन स्किन के हवाले से ग्रीन टी का जो इफेक्ट है वो सिर्फ दिन के वक्त है. अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये हर स्किन के लिए? हर स्किन के लिए, अगर आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, हर स्किन के लिए है. उसके अलावा जैसे वाटरमेलन है, टोमेटोज हैं, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एक नई एक चीज़ अब आई है मार्केट में विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, कॉफ़ी बेरी एक्सट्रैक्ट है. अच्छा. जो बहुत ही इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए. तो ये सब चीज़ें, अगर आप सर्दियां, आप तो सर्दियां नहीं है, सर्दियों में गाजर, गाजर इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर आई साइट, क्योंकि उसमें विटामिन ए है. गाजर और आप उसका जूस पी सकते हैं, बिल्कुल के साथ मिला के, बिल्कुल आपकी स्किन को बहुत आराम देती है और आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लग जाती है. एब्सोल्युटली. एक और कॉल है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मुबारक है, मैं बात कर रहा हूँ सुबोधा से. मैंने कहा शायद मुझे मुबारक दे रही किसी बात की. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी, क्या पूछेंगे भाई? मुझे पूछना था, मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का. आप टीवी तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप आज बहुत अच्छी लग रही है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे चेहरे पे पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे ना, ठीक है, तो वो मैं चेक भी करवा चुका हूँ, लेकिन वो कोई कोई मेडिसिन लेके दे देता है, कोई दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना. सही है, तो वो बता दें. ठीक है, आपको आ गया सवाल समझ? थोड़ा सा कि उनके चेहरे पे कुछ है. चेहरे पे क्या बन रहा है? चेहरे पे पोर्स बन रहे हैं. पोर्स बन गए, पोर्स बन रहे हैं. अच्छा अच्छा, आपकी क्या एज है? एज मेरी है 18 है और जो है ड्राई स्किन में. 18 इयर्स है? हाँ जी, 18. अरे, तो बहुत छोटी उम्र है ना. तो आपने जरूर अपनी स्किन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे. हाँ, वो तो देखा, आप तो आधी डॉक्टर खुद हैं. एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे इन्होंने जरूर अपने स्किन के साथ, गोरे होने के या अपने आप को निखारने के.
तो वो हो गया होगा कुछ अंदर। नहीं गोरे तो होने के नहीं, मैंने नहीं किया, गोरा तो मैं हूँ ही, लेकिन वो पोर्स हैं बस, उसी के लिए मैं मेडिसिन लेता रहा हूँ, बाकी मैंने कोई जो है वो नहीं यूज नहीं तो किया। पोर्स बेटा कभी तो बने होंगे ना, कुछ तो हुआ होगा तो पोर्स बने। अब पता नहीं वो पता है, मैं बताती हूँ, जब आप लोग नाइयों के पास जाते हैं ना, बार्बर्स के पास, तो वो नई नई चीजें जो आपके मुंह पे लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं, उससे भी होता है, कभी कुछ किया तो होगा, सोचो। नहीं कुछ भी नहीं, वो बना लगा जो क्रीम दी है डॉक्टर ने, या वो मैंने इस्तेमाल की। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? सरगोधा से। सरगोधा से, चलें ठीक है, अभी आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। हाँ ठीक है, शुक्रिया, बता, बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का। जी देखिए, ये जो बात कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के विदाउट एग्जामिनिंग ये बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके स्किन के ऊपर पोर्स हैं और वो इतने नहीं होते बट उनको लग रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को वाकई होते हैं बट वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी होते हैं। फैमिली में भी इस तरह की स्किन होती है लोगों की, तो घर वालों की भी, जैसे पेरेंट्स की है, भाई बहनों की है, तो इनकी भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर पोर्स ज़्यादा हैं तो उसको आप जैसे कह रही थी कि वो मिस यूज किया है, कोई कुछ केमिकल्स तो किया लगाए गया हैं, है कुछ क्या किया या है? हो सकता है इनको हल्के हल्के हो और ये डॉक्टर के पास चले गए और अब अल्लाह जाने कैसे डॉक्टर होंगे, उन्होंने और कुछ दे दिया हो। बिल्कुल, या फिर इनको एक्नी रही हो। बिल्कुल, तो, कुछ तो है ये, तो इनको दिखवाना पड़ेगा। अगर अपने यहाँ सरगोधा में किसी स्किन डॉक्टर को दिखा लें तो वो सही इनको गाइड कर सकता है। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोचा से बात कर रही हूँ, सायमा जी। सायमा क्या कहेंगी? मुझे ये कहना था कि मेरे फेस पे व्हाइट कलर के छोटे छोटे सर्कल्स के निशान बन रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो मतलब 3-4 महीने से शुरू है, पहले एक था, अब वो 5-6 हो चुके हैं, है बहुत स्मॉल से। और जब मैंने देखा है कि हीट के पास जाऊँ तो वो रेड हो जाते हैं, अगर मैं फेस वॉश करूँ तो वो उसके जस्ट व्हाइट कलर की बाउंड्री बन जाती है, जैसे खुश्की की होती है ना इस तरह। अच्छा, कहाँ कहाँ है मुंह पे? पेट, मुंह पे पहले एक साइड पे डालते थे, अब दूसरे साइड पे भी 2-3 निशान डालते शुरू हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे से सर्कल में व्हाइट कलर के। मुंह पे ही है ना सिर्फ आपको? जी जी, सिर्फ फेस पर है। ठीक है, अच्छा अभी आपको डॉक्टर साहब बताते, अभी तक आपने कोई दवाई अप्लाई की है? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सनब्लॉक मैंने यूज किया है, कौन सा? 15 का, लेकिन कोई SPF 15। चले, तो आपको कितने अर्से से ये? मैं घर पर ही होती हूँ, धूप में तो मैं निकलती नहीं हूँ, घर पर ही रहती हूँ। अच्छा, आपकी क्या एज है? मेरी है 33। अच्छा, इसमें कोई आपको इचिंग है यानी कि खारिश है? नहीं, अब बहुत कम, कभी कभार होती है, बहुत लाइट सी खारिश, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है इसी किस्म का जैसे आपको है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं हुआ किसी को। अच्छा, आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है अब तक? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी आपको बताते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो बता रही हैं, अगेन ये 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि विटिलाइगो हो, जिसको उर्दू में बर्स भी कहते हैं, और वो अगर है तो डेफिनेटली इनको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो विटिलाइगो इज़ ए कंडीशन जहाँ आपके पिगमेंट जो हैं स्किन के ऊपर वो गायब हो जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है बट इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रीट, और इमिजिएटली इनको चाहिए कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं, एंटी एजिंग की वजह क्या बढ़ती हुई उम्र है या कोई और वजह होती है? डेफिनेटली देखिए, अगर हम जिनकी भी उम्र बढ़ रही होती है उनके साथ तो स्किन के प्रॉब्लम्स होते ही हैं, लेकिन आफ्टर एज 30 इन जनरल आपको स्किन आपकी जो है सैग करना शुरू होने शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ आपका वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाता है, जो आपके चेहरे के ऊपर पहले एक वॉल्यूम था वो सिंक होने लगता है। जाहिर है वो उम्र के साथ उम्र के साथ। उसके जैसे मैं पहले बता रहा था कि कई रीजंस हैं, एक तो ये कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, स्मोकिंग करते उसकी हैं, वजह से आपको डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, उसकी फिर आप दवाएं लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, फिर स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वाटर इनटेक सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, अगर आप इन सब चीज़ों को सही भी करें तो भी आपके एक एजिंग प्रोसेस है वो पैदा हो रहा होता है। तो आप एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसमें एक बहुत अहम चीज़ है सन प्रोटेक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा जिन लोगों की उम्र हो जाती है उनके चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन उनके
चेस्ट पे या बाजू पे रिंकल्स नहीं होते। और एक और चीज डॉक्टर साहब, ये फ्राउन करने से जो लाइंस पड़ती हैं क्या परमानेंट हो जाती हैं? क्या बहुत ज्यादा करो? हो सकती हैं अगर बहुत ज्यादा फ्राउन करते हैं तो, ठीक है, हो सकती हैं, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट है। बट सन के बारे में बात कर रहा था, सन प्रोटेक्शन जो है वो आपकी एजिंग को